हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विशाल गुलानिया, फॉरएवर बिजनेस ओनर। दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियोस में कमेंट किया था कि आप पासवर्ड कैसे जनरेट करना है उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मैंने ऑनलाइन ज्वाइनिंग कैसे करना है फॉरएवर के अंदर उसके बारे में वीडियो बनाया था, फिर ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करना है एलो स्टोर से उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे है तो वो दोनों वीडियो की लिंक्स मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप एक बार वो ज़रूर देखें और सीखिए कि कैसे ज्वाइनिंग और ऑर्डर करना है, राइट। तो कुछ लोगों ने वो वीडियो में कमेंट किया था कि कैसे अपना पासवर्ड जनरेट करना है, पासवर्ड को रीसेट कैसे करना है, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन वाला भी वीडियो बनाइए। तो मेरी टीम की भी डिमांड थी, तो मैंने आज सोचा कि चलिए आज इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने मोबाइल में ओपन कीजिए गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र, दोनों में से कोई भी ओपन कीजिए और सर्च कीजिए www.foreverliving.com। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली जो लिंक आपको दिख रही है उसे ओपन कीजिए आप। तो ओके, ये आप देख सकते हैं फॉरएवर की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे जाइए आप और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, वो लॉगिन के ऑप्शन में आपको जाना रहेगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का वेबसाइट ओपन हो गया है। और सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, लोकेशन यहाँ पे इंडिया दिख रहा है आपको। दोस्तों, अगर आपकी डिवाइस के अंदर लोकेशन कोई अदर कंट्री दिखे तो सबसे पहले आप लोकेशन इंडिया सिलेक्ट कर लीजिएगा। कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडिया के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो सारी कंट्रीज़ का नाम खुलता है, अलग अलग लोकेशन जहाँ पे फॉरएवर अवेलेबल है। तो एशिया के अंदर जाके आप इंडिया को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेरे डिवाइस में इंडिया लोकेशन ही दिखा रहा है, फिर भी अगर आपके डिवाइस में कोई अदर लोकेशन है तो आप इंडिया सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो अभी ये वेबसाइट ओपन हो गया है, अभी हमें क्या करना है, लॉगिन करना है। लेकिन आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप कैसे अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। मैंने अपना यहाँ पे आईडी नंबर डाल दिया है, मैं अपने आईडी ओपन करके दिखाऊंगा आपको। दोस्तों देख सकते हैं आप, मैंने आईडी नंबर डाल दिया है, अभी मेरे पास पासवर्ड नहीं है तो मैं क्या करूँगा। आप देख सकते हैं पासवर्ड के नीचे क्रिएट ऑब्लिक फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है, ये ऑप्शन दिया है। तो ये ऑप्शन के अंदर जाना है, क्रिएट और फॉरगेट पासवर्ड के अंदर, राइट। तो अभी ये ओपन हो गया है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी आगे क्या करना है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अभी यहाँ पे कुछ डिटेल्स देनी होंगी, जैसे कि मैं गुजरात में रहता हूँ और कंपनी के अंदर मेरा एड्रेस जो है वो गुजरात का सेव किया हुआ है। तो मैंने ज्वाइनिंग के टाइम पे अपना एड्रेस जो दिया था उसमें स्टेट गुजरात था, तो यहाँ पे स्टेट में सिलेक्ट कर लूँगा गुजरात, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप अपने जो भी स्टेट में रहते हो वो स्टेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, इंडिया कंट्री। और यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन देना होता है, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया होता है तो यहाँ पे हमें एक आंसर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने पहली बार जब पासवर्ड रिसेट किया था तब मैंने योर फेवरेट कलर मैंने सिलेक्ट किया था, तो अभी यहाँ पे मैं, मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है तो यहाँ पे मैं ब्लैक सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे और तीन चार क्वेश्चंस देते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चंस, उस हिसाब से आप सिलेक्ट करते हैं आपको जो भी सूटेबल है वो क्वेश्चन, और उसका आंसर भी आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्लैक लिख दिया है। अभी यहाँ पे रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन है तो मैं रिसेट पासवर्ड में जाऊँगा, ठीक है। अभी ये ओपन हो रहा है, ओके हो गया। अभी यहाँ पे लिखा है प्लीज़ रिट्राइव योर न्यू पासवर्ड फ्रॉम योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, यानी कि कंपनी ने मेरे रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे मुझे एक मेल कर दिया है जिसमें पासवर्ड अवेलेबल है। अभी मैं यहाँ से चला जाऊँगा बैक टू लॉगिन में, ठीक है दोस्तों। अभी ये ओपन हो गया है वेबसाइट। अभी मेरे मेल आईडी पे पासवर्ड आया है, तो वो पासवर्ड कहाँ पे है मैं आपको दिखाता हूँ अपने मेल आईडी से। मैं अपना जीमेल ओपन कर लूँगा। ओके, आप देख सकते हैं पहला ही पासवर्ड का मेल दिख रहा है आपको, पासवर्ड रिसेट का, ठीक है। ये ऑटो रिप्लाई होता है कंपनी की ओर से, यहाँ पे पासवर्ड दे दिया है आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ।
ओके, अभी हम लॉग इन करेंगे यहाँ से। यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, मेरा आईडी और पासवर्ड मैं पेस्ट कर दूंगा और मैं अभी लॉग इन करता हूँ। ओके, अभी आप देख सकते हैं कि जो कंपनी ने पासवर्ड भेजा था वो टेम्पररी पासवर्ड था पहली बार लॉग इन करने के लिए। अभी मुझे अपना एक नया पासवर्ड सेट करना होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अभी मेरा आईडी नंबर है करंट और टेम्पररी पासवर्ड, यानी अभी जो मुझे मेल में आया वो पासवर्ड मुझे यहाँ पे लिखना है। यानी मैं पेस्ट कॉपी किया है तो मैं डायरेक्ट पेस्ट कर दूंगा। न्यू पासवर्ड, यहाँ पे न्यू पासवर्ड लिखना है दोस्तों। तो न्यू पासवर्ड क्या लिखना है वो आप समझ लीजिए। न्यू पासवर्ड में मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, मिनिमम 8, यानी 8 डिजिट का, 8 डिजिट का कोई भी पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। वो 8 डिजिट में कोई भी एक डिजिट आपका होना चाहिए कैपिटल लेटर में, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सिंपल मैं अपना पासवर्ड सेट करके दिखाता हूँ। मैं अपना नाम टाइप करता हूँ, उसमें नाम में पहला जो डिजिट है वो कैपिटल लिखता हूँ, VISHAL। ओके, मैंने पहला डिजिट जो है वो कैपिटल में लिखा है। ओके, अभी एक सिंबल यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि एक सिंबल भी ऐड कीजिए, तो मैं एट द रेट ऐड कर देता हूँ और कोई भी एक अल्फाबेट होना चाहिए 1 to 0 के अंदर से, ठीक है, सॉरी न्यूमेरिक डिजिट होना चाहिए 1 to 0 के अंदर से। तो मैं 1 2 3, तो मैंने अपना पासवर्ड जो सेट किया है वो विशाल कैपिटल V एट द रेट 1 2 3, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने अपना नया पासवर्ड सेट कर लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा गया है, योर फेवरेट कलर। अभी आपको कोई और सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं मदर्स मेडन नेम, नेम ऑफ पेट, नेम ऑफ प्राइमरी स्कूल अटेंडेड, नेम ऑफ चाइल्ड, फेवरेट कलर, ठीक है दोस्तों। मैं अपना ये सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ फेवरेट कलर का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना फेवरेट कलर का नाम लिख दूंगा, ब्लैक। ओके, अभी ये हो गया, अभी मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा पासवर्ड अभी हो गया है अपडेटेड, ठीक है, योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड। अभी मेरा पासवर्ड अपडेट हो गया है, अभी मैं कंपनी की वेबसाइट पे जाके लॉग इन कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी ये मेरा पासवर्ड जनरेट हो गया था और ये मैंने लॉग इन कर दिया। अभी मैं लॉग आउट कर देता हूँ। ओके, ओके, तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको बताया कि अपना पासवर्ड कैसे रीसेट करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आप सीखे हैं तो आपकी टीम में भी सारे लोगों को सिखा है, उनको भी पासवर्ड रीजनरेट करना सिखा दीजिए, क्रिएट करना सिखा दीजिए, ताकि वो भी फॉरएवर की वेबसाइट ओपन करके वेबसाइट की विजिट कर सके, पूरी इन्फॉर्मेशन ले सके। आई होप कि आपको ये वीडियो से बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, अपनी टीम में सारे लोगों को शेयर कीजिए वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा दोस्तों, आइए हम संकल्प करते हैं स्वस्थ रहने का। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।